संविधान का अनुच्छेद 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या जो संसद हैं उनके विशेषाधिकार और शक्तियों के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा जो स्टैंडिंग ऑर्डर और रूल्स हैं पार्लियामेंट के हाउसेस के उसके अधीन रहते हुए हर पार्लियामेंट के मेंबर को वाक स्वतंत्रता होगी, पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनके पास है। इसके अलावा संसद के सदस्य किसी भी हाउस में या किसी कमेटी में अपनी कोई भी बात रखते हैं, कुछ भी उस विषय से संबंधित वहाँ जब डिस्कशन होता है तो वो अपनी बात रखते हैं, तो उसके चलते वो देश के किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो संसद के द्वारा अधिकृत है वो अगर वो संसद और या संसद में जो कमेटीज हैं उनसे संबंधित कोई भी रिपोर्ट आदि पब्लिश करता है तो उसको भी वही प्रोटेक्शन प्राप्त होगा जो संसद के सदस्यों को है। इसके अलावा जो संसद के सदस्यों को और कमेटीज में जो पार्टिसिपेट करने वाले या जो उसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं उन सबको समय समय पर जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर जो प्रिविलेजेस पावर्स और इम्यूनिटीज उनको दी गई है वो उनको रहेगी। इसके अलावा जो क्लॉज 1, 2 और 3 में दिया गया है वो सब उन लोगों के लिए भी होगा जो व्यक्ति संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन संसद की प्रोसीडिंग में भाग लेने के लिए आता है या किसी कमेटी की प्रोसीडिंग में भाग लेने के लिए आता है या उस कमेटी का मेंबर है, तो उसको भी इस अनुच्छेद में दी गई सारी जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी रहेगी। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है लेकिन वो कमेटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ कमेटीज में मेंबर भी होते हैं और वो संसद के दोनों सदनों में प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। तो जब वो इस संसद में किसी कार्यवाही में भाग लेते हैं तो उस समय उनको भी वो सब इम्यूनिटी रहेगी।